गुमला एसपी हरविंदर सिंह ने घाघरा थाना का किया औचक निरीक्षण। गुमला एसपी हरविंदर सिंह ने घाघरा थाना का औचक निरीक्षण सोमवार की देर शाम किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पदस्थापना के बाद घाघरा थाना का निरीक्षण एक सरप्राइज विजिट था। निरीक्षण के दौरान थाना भवन, थाना रिकॉर्ड, अपराधियों की सूची, अपराध पर नियंत्रण सहित अन्य विषयों का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ स्थानीय चुनौतियां एवं अपराध नियंत्रण को लेकर थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाका गुमला में मुख्य धारा से भटके वैसे लोग जो नक्सली गतिविधि में शामिल हैं, मुख्य धारा से जुड़कर समाज में अपनी अच्छी भागीदारी निभाएं, साथ ही साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार के पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आगे आए। पुलिस आज नहीं तो कल नक्सलियों को ढूंढ निकालेगी। इस मौके पर थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, एसआई राहुल सिंह, निर्मल महतो, टेकलाल महतो सहित कई लोग मौजूद रहे। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। एक सरप्राइज विजिट था घाघरा थाना में, क्योंकि अभी तक हम विजिट नहीं किए थे थाना प्रेमिसेस को, तो एक बार देखना था खुद से कि अपकीप कैसा है थाना भवन का, थाना रिकॉर्ड्स का, और यहाँ के लोकल चैलेंजेस क्या हैं, अपराधियों के रिगार्डिंग क्या रिकॉर्ड कीपिंग है। तो इसी डायरेक्शन में कुछ कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं कि उनको कंप्लाई कराया जाए, और थाना प्रभारी से भी हमने एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त की कि क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए गए हैं और क्या लिए जा सकते हैं, इसी बारे में डिस्कशन हुआ और कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। सर, चूँकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र सर, तो नक्सलियों को कोई संदेश देना चाहेंगे सर मुख्य धारा में लौटने के लिए? नक्सलियों के लिए सरकार द्वारा कई जो है बहुत अच्छी अच्छी पुनर्वास की स्कीम चलाई गई हैं और बहुत सारे अच्छे उनको ऑफर्स दिए गए हैं, जिसमें लैंड भी है, ज़मीन भी है, कैश रिवॉर्ड भी है। तो हमारी यही आपके सौजन्य से यही एक विनती रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वापस आए, मुख्य धारा में आए, अपने समाज से जुड़े, वापस एक नॉर्मल लाइफ जिए, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करें समाज में और एक अच्छी लाइफ जिए। वहाँ पे आप दर दर की धोख आप वो खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, और आपको पुलिस जो है कभी ना कभी आपको ढूंढ ही लेगी। अगर आप यही आपकी वो रही गतिविधि रही तो पुलिस कभी ना कभी ढूंढ लेगी, तो बेहतर यही होगा कि आप मुख्य धारा में जुड़े और जो है वापस समाज में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करें, अपनी लाइफ में कुछ सुधार लें।